दादाजी हमसे परिक्रमा करा ले रहे हैं भैया। देखो कैसे कैसे उम्र के लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, ये तीन टप्पे जो दिख रहे हैं, इसका नाम है काटाला बाबा। यहाँ पर दिवाली के समय में, धनतेरस के समय में 20 दिन की पालनी होती है। तो पुरुष लोग जो है अपने कपड़े वो अपने आप धोते हैं, बिस्तर अपना अलग रखते हैं, तो ग्रह महिला से दूर रहते हैं। 21 दिन की पालनी करने के बाद में धनतेरस के दिन वहाँ पर पूजा करने जाते हैं। उसके बाद में सामने जो पहाड़ी दिख रही है, वो दो पहाड़ी, उसके बाजू में जो है वो हीराजा बाबा है, और ये हीराजा बाबा है, और इसके सामने इधर अस्तंबर ऋषि है। सूरज जब निकलता है तो अस्तंबर ऋषि की परछाई हीराजा बाबा पे गिरती है वहाँ पे सामने, और सूरज जब ढलता है तो हीराजा बाबा की छाव अस्तंबर ऋषि पे गिरती है। तो ये सब भैया के पर्वत लाइन के पर्वत है, ये सब ऋषि मुनि का वास रहता है यहाँ पर, ये देवभूमि है। और इस ये ऊंचाई की जगह पर हम जाते हैं तो मैया पास में ही दिखती है, लेकिन वहाँ से दूर अंतर होता है 20-25 किलोमीटर है। ये जो है ना, ये पहाड़ उस पर चढ़ेंगे, वहाँ से लेकर वहाँ ये जो ऊपर पहाड़ दिखता है, इधर से वहाँ कहाँ से भी नर्मदा मैया इधर देखेंगे, जगहों पे देखेंगे, पर इधर 20-25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसा उतार है इधर भी, इधर से भी चढ़ के बहुत आना पड़ता है, बहुत सारी पहाड़ी लांद के हमको मैया तक पहुँचना पड़ता है। इस जगह से माँ रेवा 40 किलोमीटर इस साइड में है, और माँ तापी मैया इस साइड में 40 किलोमीटर है। हम लोग अभी सेंटर में हैं। ये सातपुड़ा पर्वत लाइन की देवभूमि है, लघु कैलाश इसी को बोले गया है। भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में जहाँ से सातपुड़ा लगता है, राजघाट से हम धाड़ी में पहुँचते हैं, राजघाट से लगा के तो ठेठ गोरा तक के ये सारी पूरी